तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पर मतलब यहाँ पर दो टीमें यहाँ पर क्वालिफाई हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लैंड है ना और यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका, वो यहाँ पर क्वालिफाई हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपके यहाँ पर इंग्लैंड के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब जो इंग्लैंड ने क्वालिफाई किया ना वो किस तरह से क्वालिफाई किया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इंग्लैंड ने यहाँ पर पहले मतलब की बॉलिंग की थी, तो यूएसए को सिर्फ और सिर्फ 115 रनों पर रोक दिया। तो यहाँ पर जो क्रिस जॉर्डन है ना, उन्होंने यहाँ पर लास्ट ओवर में यहाँ पर मतलब जो 19वां ओवर था ना, उसमें यहाँ पर 4 विकेट्स ली थी। तो यहाँ पर जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है ना T20 का, इसमें यहाँ पर 3 हैट्रिक्स हो चुकी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पर 2 हैट्रिक्स तो बांग्लादेश और यहाँ पर जो अफगानिस्तान के खिलाफ है ना, वो तो यहाँ पर पैट कमिंस ने ली थी, और यूएसए के खिलाफ मतलब कि 4 विकेट ली, लगातार तो नहीं ली, यहाँ पर एक बॉल छोड़ करके ली, लेकिन यहाँ पर हैट्रिक कंप्लीट हो गई यहाँ पर क्रिस जॉर्डन की। तो यहाँ पर मतलब जो क्रिस जॉर्डन है ना, उन्होंने भी मतलब कि एक हैट्रिक अपने नाम कर लिया इस वर्ल्ड कप में, और देखते हैं भाई इस वर्ल्ड कप में और क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर वैसे तो हमें हैट्रिक्स और मतलब जो सुपर ओवर है ना, वो यहाँ पर बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये मैच चल रहा है ना वो T20 वर्ल्ड कप भाई बिल्कुल ही धमाल हो रखा है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना फिर बाद में, यहाँ पर जैसे यहाँ पर इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आई ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 9 ओवर और यहाँ पर 4 बॉलों पर इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। और यहाँ पर जो जोस बटलर है ना, उन्होंने यहाँ पर मतलब कि एक ओवर में 5 छक्के लगाए, वो भी लगातार। तो पहली बॉल तो यहाँ पर हरमीत की थी ना, हरमीत सिंह की थी ना, तो यहाँ वो तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल यहाँ पर दे दिया था यहाँ पर शॉर्ट ने, लेकिन यहाँ पर 5 के 4 छक्के लगाए, फिर वाइड यहाँ पर फिर एक और छक्का लगाया। मतलब कि भाई इसमें ना मतलब जो इंग्लैंड है ना भाई, वो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक खेल रही है। सिर्फ और सिर्फ 38 बॉलों पर उन्होंने यहाँ पर 83 रन बनाए नॉट आउट। तो यहाँ पर 10 विकेट से यहाँ पर इस मैच को इजिली इंग्लैंड ने जीत लिया। तो यहाँ पर शॉर्ट या फिर किसी और बैट्समैन की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर जो यहाँ पर जोस बटलर है ना भाई, सिंगल हैंडेडली भाई मैच जिता दिया, मतलब कि इजिली यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वो मतलब हो चुकी थी ना, मतलब कि इतनी इनकी रन रेट बढ़िया हो चुकी थी ना, मतलब कि पहले ही ये क्वालिफाई कर चुके थे कि यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच था ना भाई, उसमें यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह से इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 ओवर में ही जीत लिया, और वो भी 10 विकेट से।